ऑफिस चलते हैं, मेरा काम करेंगे वहां पे। अरे नहीं, अपन घूमेंगे नहीं, अपन मेरा काम करेंगे। नहीं नहीं ना, पीछ ना पीछ में सोच पहुंचे, चल चलते ऑफिस। आदू को, आदू को नहीं जाऊंगा, आदू स्कूल चला गया। आडू तो गया, आडू तो स्कूल चला गया। ओ वाओ, अच्छा वाओ, ये किसके बैंगल है? अरे डा चंगु, हाय हाय कर दो। रू हाय, अच्छा भाई बोल दो, भाई। चलो अब मम्मा से गप्पे मारूं, मैं जाता हूँ, है ना। अब पापा को तो जाना पड़ेगा यार, बाबा छुट्टी। नहीं नहीं नहीं, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, जाना पड़ता है, ऐसा नहीं होता, अपने मर्जी से चलता काम। ठीक है, लेट जाना बोल रही है। तो छुपो छुपा, मैं देखो चुप कर रहा था, तब क्यों रो रहा था? तब तो मीटर देख भी नहीं रहा था तू। बहस करने उठ गई। बहस करते हो आप पापा के साथ? ये लालू यादव लग रहे एकदम। पापा को बाय कर दो। जब मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो उसी टाइम टकार क्यों आता है, ये समझ नहीं आता मुझे। देखेगी नजर, खाते पीते लोगों को डकार आता है, सूखे मरे हुए लोगों को नहीं आता, ठीक है। पेट में कुछ जाता है तभी डकार आता है। तो इसका मतलब तुम्हारे पेट में तो बस जाता है और जाता ही रहता है। आजो अरू, हम बात करेंगे। आजो आजो आजो, बर्थडे किसका आ रहा है? किसका बर्थडे आ रहा है? किसका बर्थडे आ रहा है? बर्थडे शड्डे बर्थडे छड्डे किसका आ रहा है? आरू का, आदि नी आरू। अच्छा आदि बोल के दिखा दो सबको, आदि 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 बोलो, आदि आदि। हाय एवरीवन, ब्लॉग जो है कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आज मैं आप लोगों के साथ एक फेस वॉश शेयर करूंगी जो कि स्किन के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो जिस फेस वॉश की मैं बात कर रही हूँ वो है ये सैटर्न बाय जीएचसी। ये एक फोमिंग फेस वॉश है और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना, मैं आपको बताऊंगी कि वो स्किन के लिए, आपने सुना ही होगा, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो चलिए सबसे पहले इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में और उनके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको बताऊंगी कि इसमें है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, जो कि हमारा जो स्किन का जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी स्किन को हाइड्रेट रखने में हेल्पफुल होते हैं, प्रिवेंट करते हैं मॉइस्चर लॉस को, और हमारी जो स्किन है उसको रिपेयर करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। सेकेंड इसमें है टी ट्री एक्सट्रैक्ट, जो कि आपको पता है कि भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं। ये हमारी स्किन की जो कोलेजन है उसको रिस्टोर करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है और हमारी जो स्किन है उसको यूथफुल रखने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद इसमें है ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट, जिसमें कि हाई विटामिन सी पाई जाती है, भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है, जो कि हमारे स्किन को क्लीन रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है और जो ऑयली स्किन होती है उसको ट्रीट करने में भी काफी ज्यादा मददगार रहती है। इसके बाद इसमें है लेमन एक्सट्रैक्ट। लेमन जो है आपको पता ही है कि हमारी स्किन के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। ये जो हमारे स्किन पे ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, एक्ने की जो दिक्कत होती है, इनसे फाइट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। पिंपल की या फिर ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती है, जो डर्ट होता है उसको प्रॉपरली क्लीन करता है एंड
जो एक्सेस ऑयल हमारे स्किन पे होता है उसको भी मेंटेन करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम छुमंतर। इसके बाद इसमें है रोज ऑयल जो कि हमारी स्किन का जो एक्सेस ऑयल होता है उसको रिमूव करने में हेल्पफुल है, साथ ही साथ ये हमारी स्किन को बहुत ही ज्यादा स्मूथ एंड सपल बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो इसे अप्लाई करना बिल्कुल इजी है, आपको करना कुछ भी नहीं है, अपना जो फेस और नेक है उसे प्रॉपरली वेट कर लेना है, मतलब गीला कर लेना है और उसके बाद पंप करना है ये जो फेस वॉश है। आपको पता है ये कि सिलिकॉन ब्रश के साथ है जो कि हमारी स्किन को क्लींस करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए उस हिसाब से एक दो पंप आपको करना है या जितना भी आपके फेस पे रिक्वायरमेंट है पंप करके मसाज करना है कम से कम भी 2 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में, ठीक है। उसके बाद जो अपना फेस है उसे ठंडे पानी से वॉश कर लेना है और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो स्किन पे जो फेस पे जो पोर्स हैं वो क्लोज हो जाए उसके लिए अपनी जो स्किन है उसको टोन अप कर लीजिए। तो ये जो फेस वॉश है इसका जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिन जिनको भी ये जो दिक्कत है जो मैंने आपको बताया स्किन की वो बेझिझक इसे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि मैं इसे आजकल अप्लाई कर रही हूँ और फर्क जो है आप मेरी स्किन पे देख ही सकते हैं। आदि नहीं, आदि बोलो पहले, आदि आदि दीदी आदि कहाँ है, आदि आदि बोल दो, आदि आदि बोलो, नो आदि बोल दो, आदि। अच्छा किचू किचू दे दो सबको, उम्मा दे दो सबको, उम्मा। अच्छा 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 अब आदि को भी बुला दो, भाई बोल दो भाई, तू डूब जा डूब जा फोन में, डूब जा फोन में, फोन में डूब जा। अच्छा बोल दो भाई, आदि बोल दो, आदि आदि आदि। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। शाम के बज रहे हैं 6 और ये ब्लॉग मैं आज शुरू कर रही हूँ। आज है 3 मार्च, कल 4 मार्च है, उर्वी का बर्थडे है, बट हम उसका बर्थडे 4 तारीख को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे 6 या 7 को, क्योंकि उसके दादा दादी जो है 6 या 7 को आएंगे। और सबसे बड़ी बात कि नीरज नहीं है घर पर, बट उसकी वो एक कम कर दो, हवा ना बहुत तेज आ रही है गर्म, तो अभी मैं भीग के आई हूँ क्योंकि मैं दूध लाने गई थी। तो मैं कह रही थी कि सबसे बड़ी बात ये है कि नीरज नहीं है घर पे, तो नीरज का चंडीगढ़ में औरतों से रिलेटेड कुछ काम है वो वहाँ गए हैं और मैं भी भीग के आई हूँ, मैं दूध लाने गई थी, छाता मुझे मिल नहीं रहा था तो इसलिए बिना छाते के चली गई और आते आते यहीं घर के पास ही एकदम 1 मिनट का रास्ता बचा था वहाँ पे भीग गई। इतनी बारिश हो रही थी, देखो शर्ट मिली पूरी गीली है, ये ऊपर से शर्ट सूखी है नीचे से गीली है क्योंकि ऊपर से मैंने ये जैकेट पहन रखी थी। तो अभी ब्लोअर चलाया है, अभी मैं देखूँगी ब्लोअर, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आवाज़ कम करो टीवी की, बंद करो कम करो आवाज़, बल्कि बंद करो, होमवर्क करना है, चलो बंद करो टीवी। तो ये बात थी, तो नीरज भी कल नहीं होंगे इसके बर्थडे पे 4 मार्च को, तो हम अभी सैटरडे या संडे को उर्वी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन कल मेरी उर्वी 1 साल की हो जाएगी। तो फ़ोन मेरा पानी बहुत पूरे तरीके से, फ़ोन मेरा गीला हो गया था तो बार बार वीडियो जो है थोड़ी ब्लर हो गई थी। ये देखो शर्ट कितनी गिली है, इसको सुखाती हूँ, यहाँ सोच रही हूँ कपड़े ही बदल लेती हूँ क्योंकि एकदम भारी भारी हो गई है, गिली हो गई। आदित मैं कह रही हूँ टीवी बंद करो बेटे, करता हूँ रुको नहीं, टीवी बंद करो। आदित टीवी बंद करो, हाँ चलो बैठो पढ़ने, लाओ मेरे पास स्कूल बैग अपना। अरे पहले आप तो छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को, अभी जो हमारी डिनर की तैयारी हो गई है ये रही आलू गोभी मटर और ये रहा दही तड़का, ये आलू की प्लेट है
और ये मेरी प्लेट है, ये मेरी और उर्वी की दोनों की। गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है 4 मार्च और ये रही मेरी उर्वी। उर्वी नहा गई है, उर्वी को मैंने न्यू फ्रॉक पहनाई है और उर्वी रेडी हो गई है। तो अभी मैं और उर्वी जा रहे हैं मंदिर, हमारे घर के पास ही एक मंदिर है, वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि आज उर्वी का बर्थडे है, तो मंदिर जाएंगे, है ना। और अभी सुबह का टाइम है, तो ये रहा मंदिर जो कि यहीं पे है, स्को में, अपर स्को या जो भी बोलते हैं, अभी जगह का नाम तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकती। तो ये यहाँ पे पीपल का पेड़ है और बहुत सुंदर मंदिर है, ये देखो। कभी कभी हम आते हैं लेकिन हर रोज़ जो है हम वीडियो नहीं बनाते हैं, तो इसलिए आज उर्वी को लेके आए, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को दिखाई देती हूँ। यहाँ पे शनि देव का मंदिर भी है, वैसे ये शिव मंदिर है। हाँ, शूज उतारो उतारो, चलो हैंड वॉश कर लेते हैं, है ना। चलो जय करो। तो ये रही उर्वी और हम लोग मंदिर से वापस आ गए हैं। आरू मेरी बिंदी दे दो, देखना अभी मेरी बिंदी निकालेगी। आरू देखो, देखो ये देखो, ये देखो, वाह। बस इतनी देर की बात है बिंदी लगाने की। तो अभी हम फिलहाल मंदिर मंदिर से आ गए, अभी देखते हैं खाने के लिए या तो बनाएंगे या फिर कुछ बाहर से मंगवाएंगे, क्योंकि मैं, उर्वी, आदू और आदू के चाचू हम ही 4 लोग हैं घर पे, तो देखते हैं कुछ क्या करते हैं। और ये रही मेरी अड़ू बाबा, उड़ू बाबा नहाए नहाए कर लिया है, 9 बजे, फिर 9 से 10 बजे तक सोया है, नन्ना नन्ना नन्ना, फिर उठ के मंदिर जाके आया है। आज मम्मा ने हलवा भी बनाया है ना। अब नहीं है मम्मा, कुछ नहीं है नन्ना, कुछ नहीं है बाबा, बाबा। दोपहर का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैं रुकी हूँ आदित को लेने के लिए, उसकी स्कूल बस आने वाली है। 2 बज गए हैं, 2:15 हो गए, तो यहाँ पे रुकी हूँ। उर्वी मैंने फिलहाल आदित के पास रखी है, थोड़ी देर यहाँ पे धूप भी सेकूँगी और मेरे बाल गीले ही हैं सुबह से लेके, ये भी सूख जाएंगे। ये देखो लंबे होते जा रहे हैं, पता नहीं क्या ही करेंगे ये बाल। लोग बोलते हैं कि हमारी खुराक बालों को लग रही है, तो मेरी खुराक मुझे भी और बालों को दोनों को ही लग रही है शायद, क्योंकि मैं भी मोटी होती जा रही हूँ, मेरे बाल लंबे होते जा रहे हैं। वीडियो बनाती हूँ, बहुत दिनों के बाद आप स्मार्ट लग रहे हैं ना। एक मिनट। अच्छा वो भी कर दो, तुमने क्या सोचा था? नेक्स्ट वीक है पर प्रैक्टिस भी करनी है, तभी इतनी जल्दी बोल। तो बेटा वो आपको क्लास में प्रैक्टिस तो करवाएंगे वो। बेटा कंपटीशन एकदम से बिना प्रैक्टिस के नहीं कराते कंपटीशन, अभी आपको कंपटीशन के लिए कम से कम भी 1 साल स्केटिंग सीखनी पड़ेगी तब जाके। हाँ 1 मंथ इसलिए तो दिए। हाँ तो 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं, 30 डेज होते हैं, कई मंथ में 31 डेज भी होते हैं। प्रैक्टिस ले आएंगे बेटा, ले आएंगे पापा। पर प्रैक्टिस करने के लिए दिन बचाना। अच्छा बड़ा न्याय है वो। अच्छा एक वो कहा है आपका क्रॉक्स, कहाँ है क्रॉक्स, कहाँ है, कहाँ है? टिंग टिंग टिंग। ओ इसके तो सेल खत्म है भाई।
गुड मॉर्निंग, तो आज ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और आपको पता चल ही गया होगा रीजन कि क्यों उठ भी कबड्डे हमने कल सेलिब्रेट नहीं किया 4 अप्रैल को। तो अभी जो है, इसके पापा वैसे तो शाम आए गए थे, एक मिनट जरा पहले मैं इसी को, तो सुबह ये व्लॉग मैं एंड नहीं कर पाई। तो हाँ, अब ये जो व्लॉग है इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। और मैं ये बोल रही थी कि तो अब आपको पता लग गया होगा कि उर्वी का बर्थडे हमने कल क्यों सेलिब्रेट नहीं किया। कल था 4 मार्च और उर्वी का बर्थडे भी कल ही था। तो मैंने बता ही दिया कि नीरज का जो है इनको ऑफिस के काम से चंडीगढ़ भी जाना था, और फिर ये शाम को वापस आए, और शाम को आने का भी इनका फिक्स नहीं था पहले से ही कि शाम को आप आएंगे कि नहीं, बट शाम को आ गए थे। तो अब हम उर्वी का बर्थडे करेंगे संडे को सेलिब्रेट। तो चलिए, ये जो वीडियोस को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, कमेंट करके बताते रहिए कि कैसे लग रहे हैं। तो चलिए ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर, सब लोग ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए।